चैप्टर 90 है, डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जनरल एंगल। आज हमने जनरल एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक डायरेक्टिव फंक्शन एंड कन्वर्जन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एंगल को डिस्कस करेंगे। जनरल एंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, देयर मे बी मैनी एंगल्स विच स्टार्ट सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, इट्स कॉल्ड जनरल एंगल। आपके पास कोई भी एंगल, जिस तरह ये आपके पास प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपके पास इनिशियल साइड होती है, ये आपके पास टर्मिनल साइड होती है। इन दोनों के यूनियन से जो एंगल बनते हैं उसे हम एंगल कहते हैं। अब जनरल एंगल हमने चूँकि इनके जनरल फॉर्म लिख ली है, बात वही है, जनरल एंगल को हम को टर्मिनल एंगल भी कहते हैं, इसका सेकेंड नेम है। अच्छा, जनरल एंगल किस तरह से डिस्कस करेंगे, इसे हम इनिशियल को ए साइड कहते हैं, इसे बी साइड कहते हैं टर्मिनल को, ये जो आपके पास कोलिजन वाला पॉइंट है इसे हम ओ भी कह सकते हैं, ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ से हम इसका ये वाली जो साइड है आपके पास, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम इसकी रोटेशन इंक्रीज करेंगे, साइड वही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर मूव करते हुए यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा थीटा प्लस पाई, क्योंकि ये लाइन का एंगल भी डिस्कस है, तो लाइन का एंगल आपको पता है किस में है, क्या होता है, 180 होता है। तो 180 किसको रिप्रेजेंट करता है, पाई को रिप्रेजेंट करता है। और हमने ये किसके कोरस्पोंडिंग इंक्लूड किया, थीटा को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा था, फिर हमने क्या किया, इस थीटा को भी इन्वॉल्व करते हुए ये पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। और ये जो आपके पास एंगल है, यहाँ इस लाइन का एंगल आपके पास पाई होता है, तो ये आपके पास थीटा प्लस पाई आ गया। इसी तरह अगर हम एक और सर्कल इसके ऊपर से कंप्लीट करें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपके पास था पाई थीटा प्लस पाई, तो यहाँ से हम एक और सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, इट्स मीन ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया 360। कंप्लीट सर्कल का एंगल क्या होता है, 360, क्योंकि इसके इक्वल होता है 2 पाई के इक्वल होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, थीटा प्लस 2 पाई, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी नेगेटिव साइड को रिमूव करवाएं तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसकी नेगेटिव साइड को डिस्कस करें, देखिए आपने यहाँ से इस तरह करके इस तरह रिमूव किया था तो थीटा प्लस पाई आया था। अगर मैं इसकी नेगेटिव साइड को डिस्कस करूँ, यहाँ से मैं इस तरह से रिमूव करवाऊँ, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा थीटा माइनस पाई एंगल, ठीक है। इस तरह अगर इसी तरह हम मैं इसको यहाँ से करूँ तो थीटा माइनस 2 पाई, क्योंकि हमें एंगल के बारे में श्योरिटी नहीं होती कि ये हम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस वजह से हम क्या लिखते हैं, जनरल एंगल की तरफ आते हैं। जनरल एंगल का फार्मूला क्या होता है, एंगल कहीं से भी रोटेट करवा सकते हैं, इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से हम इसकी जनरल फॉर्म को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। जनरल फॉर्म आपके पास क्या है, थीटा प्लस 2 n पाई, यानी कि n की वैल्यू हम जो मर्जी लें उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास आ सकता है। यहाँ पर n किसे बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा, n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एंगल का क्योंकि हमें नहीं पता इसकी फिक्स पोजिशन क्या है, इस वजह से हमने इसको ये जनरल फॉर्म में लिखा है। जनरल फॉर्म क्या है इसकी, थीटा प्लस 2 n पाई। अगर आप n की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो ये वाली इस तरह के एंगल आते जाएंगे आपके पास, अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो आपके पास नेगेटिव साइड वाली क्या आती जाएंगे, वैल्यूज आती जाएंगी। ये आपके पास है रेडियन की फॉर्म में होता है ये एंगल, ये वाली जो जनरल फॉर्म है ना, ये आपके पास डिस्कस होता है रेडियन में, क्योंकि पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है।
अगर आपने इसे डिग्री में लिखना हो इसी जनरल एंगल को, तो वहाँ पर हमने क्या चेंज करना है, वहाँ पर जस्ट हमने थीटा प्लस, वहाँ पर आपको पता है कि डिग्री में पाई नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 360, 2 पाई किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है, तो 360 n, ये आपके पास डिग्री में एंगल आ जाएंगे। ठीक है, ये जस्ट एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी थी, जनरल एंगल बताना हो ये तो आपको जो ये डायग्राम है ये जस्ट समझाने के लिए है कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंगल, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो आपके पास मेन याद करने वाली डेफिनेशन है, उसके बाद आपके पास आता है जनरल एंगल का फार्मूला, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वो होता है थीटा प्लस 2n पाई। एन हम किस वजह से ले रहे हैं कि हम एंगल आपके पास नेगेटिव भी आ सकते हैं, इस वजह से हम एन इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब ये था आपके पास जहाँ पर पाई हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होना चाहिए अगर एंगल में पाई आ रहा हो तो इसमें आपका वो एंगल किस में है, रेडियन में है, जिसमें पाई हमारे पास ना आ रहा हो, ठीक है, तो वो आपके पास अमूमन किस में होगा, डिग्री में होगा। जिस तरह आपको पता है कि क्लॉक वाइज जब आप लेते हैं तो वो आपके पास उसकी डायरेक्शन नेगेटिव आती है, एंटी क्लॉक वाइज की पॉजिटिव आती है, तो ये आपके पास एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थे तो आपके पास एंगल पॉजिटिव आ रहे थे, जिस तरह ही आपने इसे रोटेट क्लॉक वाइज की तरह शुरू करवाया तो वो एंगल नेगेटिव में चलते गए। ठीक है, ये आप इस तरह से याद कर लें। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी ना क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज की, उसके करस्पोंडिंग आप माइंड कर लें, ये बेशक ना करें। अच्छा, एन आप पूछ रहे हैं क्या है, एन आपके पास कुछ भी हो सकता है, इंटीजर क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्वाड्रेटल एंगल क्या होते हैं, क्वाड्रेटल एंगल आपके पास एक्स एंड वाई एक्सिस की जो टर्मिनल साइड होती है उससे मिलकर बनते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट वाई एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, दोनों लाइनों से, दोनों एक्सिस से जो आपके पास आता है इसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये आपके पास पूरा सिस्टम एक्स एंड वाई एक्सिस को जब हम इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों नए आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम आपके पास कोऑर्डिनेट में आ जाए, इसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस मेट। ठीक है, इसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये देखें, ये इसके चार पार्ट है, ये पार्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं थर्ड, ये फोर्थ। एक क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में आपके पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके चार पार्ट हैं, आपने एक्स एक्सिस को चार में कर दिए। अच्छा, अब ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है इसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं, वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट भी बोलते हैं, कोलिजन भी बोल सकते हैं, कोलिजन पॉइंट, क्लाइड, कोलिनियर। ठीक है, ये आपके पास क्या ओरिजिन है जिसे हम ओ से हमेशा डिनोट करते हैं। अगर हमने एक्स और वाई से कोई पॉइंट बनाना, एक्स एक्सिस का मैंने 2 लिया है, वाई एक्सिस का मैंने 3 लिया है, इन दोनों से ये क्या है, ये मैंने ना एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस को कोई लोकेशन बता दी, जिसे मैंने पी से कर दिया कि ये जो पॉइंट पी था, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जगह नहीं है, ये पी है, जिसमें एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है, पॉइंट को मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस पर प्रेजेंट करना है, तो वो हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट पी है, तो इसी तरह हमने क्या करना है, क्वाड्रेंट लेने और वहाँ पर हमें एंगल बताने हैं, क्वाड्रेंट के एंगल क्या हो सकते हैं, यानी कि हमने एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन बतानी हो, तो वो हम किसकी हेल्प से बता सकते हैं, वो हम एक्स एंड वाई एक्सिस के ड्रा करेंगे, उसकी हेल्प से बता सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट में कैसे होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में किधर एंगल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे, हमें वाई और एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, ये आपके पास वाई एक्सिस है,
ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बताना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल को बताना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बनानी है, इसकी टर्मिनल साइड बनानी है। ये आपके पास इनिशियल साइड है और आपको पता टर्मिनल साइड इस तरह से होगी, ठीक है, ये टर्मिनल साइड है। अब इन दोनों के को जो कॉमन पॉइंट होता है उससे हम क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। और मैंने कहा था कि एंगल को हम थीटा से ना भी रिप्रेजेंट करें, अल्फा बीटा नेम भी दे सकते हैं। और ये जो इसका ये कॉमन पॉइंट है जिससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल इसमें बताते हैं, ये फिलहाल समझाने के लिए जनरल लिख दें, ठीक है, पहले आप जनरल समझ लें। तो इसी तरह अगर मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल देखना है तो उसका हम किस तरह से ड्रा करेंगे। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिस पर पॉइंट एक्स एंड वाई एक्सिस मिल रहा है, ओरिजिन है। ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिन की वैल्यू आपके पास 0 0 होती है, ये भी याद रखें, ठीक है ना। ओरिजिन की वैल्यू यानी कि ओरिजिन में क्या होता है, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर सेकेंड एंगल डिस्कस करना, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल डिस्कस करना है। ये वाला आपके पास साइड क्या होगी, सेकेंड की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, टर्मिनल बनाएंगे। ये वाली साइड तो आपके पास, आपको पता है ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड होती है, ठीक है। अब हमने एंगल देखने, एंगल किस तरह से, तो यहाँ से एंगल स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा इस वाली साइड से, ठीक है। और इस वाले एंगल को हम क्या नेम देंगे, इस एंगल को हम बीटा नेम देंगे, ठीक है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, अब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली आपको पता है लाइन यहाँ पर इस कोरस्पॉन्डिंग में, ये आपके पास इनिशियल साइड होगी, ठीक है। ये आपने टर्मिनल साइड बना ली है, ठीक है। अब यहाँ से एंगल कहाँ किस तरह से आएगा, ये यहाँ से रोटेट करता 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 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसे आप गामा कह लें। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं, फोर्थ का किस तरह से हो, ये वाई एक्सिस है आपके पास, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपको पता है कि ये आपके पास इनिशियल साइड होगी, टर्मिनल साइड इसकी इस साइड पे बनेगी। और एंगल क्या आएगा, एंगल यहाँ से पूरा रोटेट करता करता टर्मिनल साइड पर आके रुक जाएगा। अब देखना क्वाड्रेटल एंगल कौन से होते हैं, टर्मिनल साइड लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये टर्मिनल साइड पर आके रुका है, ये भी टर्मिनल साइड पर रुका है, ये भी टर्मिनल साइड पर मीट किया, इसने भी टर्मिनल साइड पर मीट किया, इसे आप थीटा कह दें। ये आपके पास थे फोर क्वाड्रेंट के एंगल, हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। आप कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि उसे क्लियर हो जाए। हम फोर एंगल ड्रा करते हैं, ये तो मैंने था अल्फा बीटा गामा, इसलिए जनरल फॉर्म बताई। अब हम ड्रा कर लेते हैं, ये मैंने वाई एक्सिस बनाया है। वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस आपके पास वर्टिकल और एक्स एक्सिस आपके पास हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बनाना है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर ये टर्मिनल साइड होगी, ये इनिशियल साइड होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होता है ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है जिसे हम राइट एंगल भी कहते हैं, ठीक है।
ये आपके एक्स एंड वाई एक्सिस है। यहाँ से आप चलते चलते यहाँ तक आकर रुकेंगे तो ये एंगल आपके पास क्या होता है, ये चूंकि लाइन का एंगल है, आपको पता है लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, ये आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कहाँ से करना है, यहाँ से चलते 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 इस तरफ आ गए। ठीक है, और ये एंगल 270 का होता है। ठीक है, यहाँ तो मैंने ये थोड़ा सा आपको बताया था इस तरह अल्फा बीटा गामा के, अब ये मैं आपको जरा बता रही हूँ कि एंगल किस तरह से होते हैं याद करने के लिए। अगर ये एंगल याद हो जाए ना, फिर कोई भी क्वेश्चन इजीली हम वहां से उसके साइन बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं। एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रा की, अब ये यहाँ से रोटेट करते 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 यहाँ तक आ जाएंगे, और आपको पता है पूरी होल रोटेशन, वन रोटेशन आपके पास 360 की होती है। ये मैंने सेपरेट सेपरेट आपको बताएं, अगर आपने याद रखना हो फॉर मेमोराइजेशन के लिए क्या करना है, क्वाड्रेंट बनाएं, यहाँ पर आप लिखते हैं 90 डिग्री, ये वाला जो होता है एंगल 90 डिग्री। अब देखें इस एरिया में जितने भी एंगल होंगे वो 90 डिग्री या उससे कम के होंगे, ये आपको यहाँ से आप गैस लगा सकते हैं इजीली। अच्छा, यहाँ तक 180, ये 270, ये आपके पास 360। बेसिकली हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है, ये जो आपके फोर क्वाड्रेंट बताए थे ना सेपरेट सेपरेट, अगर आपने माइंड में रखना तो ये है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड को, ये थर्ड को, और ये फोर्थ। ये आपने एंगल इस तरह से, क्वाड्रेंट एंगल इस तरह से हम याद करने चाहिए। ठीक है, 18 किस में है, 217 कहाँ तक है, और 360। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह लें या रेशो कह लें, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 6 होती है, इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, ये हम करते हैं राइट ट्राई एंगल बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व आउट करते हैं, हम उसके वही बनाएंगे। ये मैंने निचला साइड ली है जिसे ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका नाम ए रख दें, ये टर्मिनल साइड ले ली, इसे मैंने वर्टिकल लाइन ली है, इसे बी कह लें, फिर इन दोनों को मीट करने के लिए मैंने एक लाइन का सहारा लिया है, इसको आप सी कह दें। ये मैंने तीनों साइड इसके बता दिए। ठीक है, आपको पता है ये लाइन के साथ वाला जो स्ट्रेट लाइन के साथ वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी कहते हैं, इन दोनों के यूनियन से एक एंगल बनता है जिसे हम थीटा भी कहते हैं। अब हमने चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करवाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा ये आपके पास क्या है, इसे हम बेस कहते हैं, इसे हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास लेंथ होती है। अब हमने क्या करना है, बेस को, लेंथ को और एच को हमने कोई नेम देना है, तो हम नेम किस तरह देंगे, अब यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ तो ए के करस्पोंडिंग ये वाली साइड आपके पास ए आ जाएगी, ये बी है इसके करस्पोंडिंग ये वाली साइड को बी नेम दे दिया है, सी के करस्पोंडिंग इस साइड को मैंने क्या नेम दे दिया, सी दे दिया। ठीक है, अब हमने रेशो बतानी है, डिफाइन करवानी है, रेशो हम किस तरह से लिखेंगे, आपके पास तीन रेशो आ जाए, तीन रेशो से आप 6 ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, याद करने का क्या है, ये वाली जो साइड होती है ए और सी की रेशो, ये आपके पास साइन की होती है, और बी सी की रेशो जो होती है ये आपके पास कॉस की होती है,
और ए बी की रेशो जो होती है ये आपके पास किसकी होती है, 10 की होती है। ठीक है, यहाँ आप जो देख लें याद करने का जो मेथड आपको इजी रहे इस तरह करें। ये देखिए पहले आप यहाँ से आए तो ये साइन है, फिर यहाँ से आ जाए ये आपके पास कोस की है, और यहाँ से जाए तो ये आपके पास किसकी है, 10 की है। अच्छा अब हम यहाँ पर लिखते हैं साइन की वैल्यू इस क्रोस्पोंडिंग ट्राइंगल के लिखे, तो ये साइन थीटा आएगा, थीटा ये वाला है। ठीक है, हम ये एंगल नहीं ले रहे, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि अगर आपने बताना हो राइट एंगल क्या होता है वो 90 होता है। ठीक है, साइन थीटा इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, इसकी यानी कि रेशो क्या है, इसकी रेशो क्या है, ये ए और सी की जो रेशो होती है ये हमारे पास साइन के इक्वल होती है ए ओवर सी। अच्छा, अगर ए ओवर सी की तरह याद नहीं है तो आप इसे कह सकते हैं लेंथ ओवर हाइपोटेन्यूज, इस तरह कह लें। उसके बाद सेकंड आ जाए, सेकंड कोस कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा की आपके पास क्या होती है, ये होती है बी ओवर सी। तो यहाँ पर आप बी ओवर सी, तो इसे आप कह सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है कि जो सी है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। अच्छा, आप थ्री की तरफ आ जाए। अच्छा, यहाँ पर है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर आपके पास अगर पूछे 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 किसके इक्वल होता है, तो 10 थीटा की जो आपके पास वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, इसकी इक्वल वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 10 की आइडेंटिटी बता दी हो, 10 किसके इक्वल है, तो यहाँ से हम 10 निकाल सकते हैं, 10 थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, पहले हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, साइन की वैल्यू आपके पास क्या थी, वो आपके पास थी ए ओवर सी डिवाइड बाय, कॉस की वैल्यू क्या थी आपके पास, बी ओवर सी थी। इसे सिंपलीफाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी ए ओवर सी मल्टीप्लाई सी ओवर बी, सी सी से कैंसल आउट, तो 10 थीटा किसके इक्वल आ गया, ए ओवर बी को। तो या आप राइट एंगल में भी देखें तो 10 की आपके पास यही आती है, ए और बी रेशो 10 की होती है। ठीक है, ये इस तरह से आपने रेशो डिफाइन करवा ली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन की करवाई है, कोस की करवाई है और 10 की करवाई है। अब एक रिलेशन की तरफ आए, आपके पास 10 थीटा साइन थीटा और कोस थीटा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप साइन का रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, 1 ओवर साइन थीटा करें, ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है को सीकेंट थीटा का। ठीक है, तो यहाँ से आप बताना चाहें फोर आइडेंटिटी, फोर रेशो बताना चाहें किसकी, कोसिकेंट की, कोसिकेंट थीटा की आप बताना चाहें कि इसकी रेशो क्या होगी। अच्छा, कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है 1 ओवर साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल ले लें, तो यहाँ से आपके पास साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, सी ओवर ए, तो इसकी वैल्यू सी ओवर ए आ जाए, इसकी रेशो सी ओवर ए आ जाए। इसी तरह अगर आप कोस का रेसिप्रोकल लें, 1 ओवर कोस थीटा लिखे, तो ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है सीकेंट थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप सीकेंट थीटा की बताना चाहें, फाई रेशो बताना चाहें, सीकेंट थीटा की, तो आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ये 1 ओवर कोस, यानी कि कोस का रेसिप्रोकल ले लें तो वो सीकेंट थीटा के इक्वल आ जाता है।
यहाँ पर कॉस की वैल्यू बी ओवर सी है, इसका रेसिप्रोकल ले ले तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सी ओवर बी। ठीक है, आपको जिस तरह लग रहा है बस आपको जो मेन है ना ये तीनों याद होनी चाहिए, ये तीनों याद हो जाएगी तो बाकी जो रोमेनियन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन वो इजीली आप ड्राइव कर सकते हैं। 10 का रेसिप्रोकल देखते हैं किसके इक्वल होता है। अगर हम 10 का रेसिप्रोकल लें, 1/10 थीटा लिखे, तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ये कोट के इक्वल होता है, इसे हम कहते हैं कोट थीटा। तो यहाँ से अगर आप लास्ट रेशियो बताना चाहें कोट थीटा तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का। यहाँ पर 10 की वैल्यू आपके पास क्या थी, a ओवर b थी, इसका रेसिप्रोकल ले ले तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, b ओवर a हो जाएगी। ठीक है, और हम cos थीटा को इस तरह से भी डिफाइन करवाते हैं जो cos थीटा होता है, cos थीटा हम कहते हैं इसकी वैल्यू cos थीटा ओवर साइन थीटा भी होती है। या आप ये लिख लें या आप 10 का रेसिप्रोकल लिख लें, बोथ आर सेम। ठीक है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें किसकी भला, ये की कोसिकेंट, मतलब के इसको हम इस तरह करते हैं, को लिखने में तो हाफ वर्ड लिख रहे हैं, वैसे ये पढ़ने में क्या है, कोसिकेंट सी कैंट। ये सीकेंट है, ये लिखने में तो सिर्फ हाफ वर्ड लिख रहे, बोलते हम इस तरह से सीकेंट। ठीक है, और ये आपके पास 10 बोलते हैं, एक्चुअली में ये क्या होता है, टेंजेंट। टेन थीटा बोलते हैं, और ये कोट जो हम बोलते हैं इसको क्या कहते हैं, कोटेंट टेंजेंट, कोटेंजेंट। ये इन वर्ड्स क्या आप कह लें, इन वर्ड से बने हुए, कोसिकेंट कोसिकेंट से बना हुआ है, टेन टेंजेंट से बना हुआ है, ठीक है, कोट कोटेंजेंट से बना हुआ है। ये वैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वैसे इसका कोई इतना है नहीं, आपको बस ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, इनकी रेशो पता होनी चाहिए किसके किसके इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर तो आपको लिख दिया ए बी सी, इनकी वैल्यूज भी गिवन हो सकती है, इनकी वैल्यूज गिवन लिखकर आपको पता होनी चाहिए कि अगर ए बी सी की वैल्यूज गिवन हो तो तब इनकी रेशो किस तरह से बनेगी, आपको नहीं पता होनी चाहिए किस तरह से। ठीक है, तो उसका बेसिक है, या तो आप इस तरह से याद कर लें, ये वाली साइड आपके पास किसके इक्वल होती है, साइन के, फिर यहाँ से इधर आए कॉस के, फिर इधर से जाए टेन के। फंडामेंटल आइडेंटिटीज देखते हैं, इसमें आपके पास आइडेंटिटीज हैं, यानी कि फार्मूलाज हैं। ये बेसिकली हम फार्मूलाज ड्रा करते हैं फिसागोरस थ्योरम कह लें या पाइथागोरस थ्योरम कह लें उसके। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो आपके पास होते हैं इसे हम वेस बोलते हैं, इसको हम हाइट भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, ये जो लाइन होती है ये परपेंडिकुलर मींस के ये बेस के साथ टच हो रही है ना इस पॉइंट पर, जिसके साथ 90 का एंगल बना, जिस लाइन के साथ 90 का एंगल बने वो आपके पास लाइन कौन सी होती है, उस लाइन को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं या इसे हम लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइट भी बोल सकते हैं।
ये आपके पास क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ये साइड हमेशा क्या होती है? लार्ज होती है इन दोनों के साइड पे। अच्छा, ये बेसिकली मैंने आपको क्या बताना था, मैंने आपको फिसा थ्योरम, वो फिसागोरस थ्योरम बताना है, जिसे हम फिसागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। एक्चुअली में ये क्या होता है, इसके वही सबसे पहले हम इसकी ये जो साइड्स हैं इनको नेम दे देते हैं, कोई नेम असाइन कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसे बी ए कह दिया है, इसे बी कह दिया है, इसे सी कह दिया। अच्छा, बी के करस्पॉन्डिंग ये आपके पास बी साइड होगी, ए के करस्पॉन्डिंग ये साइड आपके पास ए होगी, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड आपके पास सी होगी। हमारे पास जो थ्योरम है इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। पार्ट है कि अगर आपने सी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है? सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इन दोनों साइड्स को, इन दोनों साइड के सम का, स्क्वायर का सम, ठीक है। सी फाइंड करना है क्योंकि सी आपके पास लार्ज होता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो साइड गिवन होगी, ये डाटा एक्चुअली गिवन होता है, फार्मूला को लिखने का बता रही, इन दोनों को सम कर देंगे तो आपके पास सी आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने बी फाइंड आउट करना है, क्योंकि बी स्मॉल होता है, ए भी स्मॉल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लार्ज में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है थ्री। अगर आपने यहाँ से ए निकाला हो तो ए भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ये फार्मूला आपको, इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, इसे हम पिथागोरस थ्योरम कहते हैं, या आपने उर्दू में इसे फिसागोरस पढ़ा होगा। ये राइट ट्राइंगल की साइड निकालने के लिए थ्योरम होता है। और इसी थ्योरम की हेल्प से हमने उसकी रेशियो निकाली थी, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, जस्ट फार्मूले लिखे, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को करना है, ये चैप्टर काफी इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये आपके पास थ्योरम आ गया। इस थ्योरम की हेल्प से हम फर्दर आइडेंटिटीज भी निकाल सकते हैं, डिवेलप कर सकते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको आनी चाहिए। हमने साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्रूव करना है, तो हम पहले क्या यूज़ करें, हम स्टार्टिंग लेंगे पिथागोरस थ्योरम से बाय फिसागोरस थ्योरम। ठीक है, फिसागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होती है आपके पास, ठीक है, आपके पास जो मेन है ना इसका फॉर्मूला, ये होता है। ये तो बाकी हमने साइड्स निकालनी है, ये वाली चीजें तो हमने साइड की निकालनी है। बेसिकली फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला, इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से आपको अगर हम देखना चाहें साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा की वैल्यू याद हो, क्योंकि ये वही सेम ट्रायंगल है, डिफरेंट नहीं है, अगर डिफरेंट होती तो हम देख लेते, तो आपको पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ए और सी के इक्वल होता है, क्योंकि मैंने वो सेम ही एज इट इज वैल्यूज दी है। और कॉस थीटा आपके पास बी ओवर सी होता है, तो यहाँ से हम वन बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने वन बनाने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर हमें साइन और थीटा बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में आप देखें तो सी आ रहा है, ठीक है, तो हम सेकंड स्टेप में सी को डिवाइड करते हैं, सी स्क्वायर को करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर
डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अब राइट साइड पर आपके पास वन आ जाएगा और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए ओवर सी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी ओवर सी और ये आपके पास वन आ गया। और अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज के ए ओवर सी की वैल्यूज पुट करेंगे बी ओवर सी की वैल्यूज पुट करेंगे। ए ओवर सी किसका होता है, ये साइन के इक्वल होता है साइन थीटा इसे हम साइन थीटा स्क्वायर कह देंगे प्लस और बी ओवर सी किसके इक्वल होता है कॉस के वैल्यू होती है ये हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये हमने आइडेंटिटी प्रूव कर ली है या ड्राइव कह ले ये इस तरह से हम करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट थी। अच्छा सेकंड भी है, सेकंड आइडेंटिटी आपके पास क्या है वो आपके पास है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है ये आपके पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के सीकेंट स्क्वायर थीटा के। चलें इसको प्रूव करें आप और बताएं प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद आपके पास आती है थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी आपके पास होती है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है ये आपके पास होता है कोसेकेयर स्क्वायर थीटा की। ये दोनों आइडेंटिटी आप खुद देख लीजिएगा प्रूव कर लीजिएगा काफ़ी इजी है इजीली प्रूव हो जाए। स्टार्ट कहाँ से लेंगे, स्टार्ट हम वहीं से लेंगे ये जो आपके पास पिथागोरस थ्योरम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको अब पता होनी चाहिए आप यहाँ पर साइड पर लिख सकते हैं टेन थीटा किसके इक्वल होता है और सीकेंट थीटा किसके इक्वल हो सकता है ये ऊपर मैंने आपको बताई है इनकी वैल्यू। टेन की वैल्यू आपके पास थे ये ए बाई बी और आपको पता है सीकेंट कॉस क्या है तो ये सी बाई बी होगा यानी कि अब आपने डिवाइड क्या करना है डिवाइड करेंगे बी से डिनोमिनेटर में बी आ रहा है तो आपने इस इक्वेशन को सेकंड स्टेप में किससे डिवाइड करना है आप डिवाइड करेंगे बी से तो ये आपके पास हो जाएगी ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अच्छा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए ओवर बी क्योंकि पावर सेम है तो हम इसे एक पावर के नीचे कर सकते हैं प्लस वन सी ओवर बी ए ओवर बी किसके इक्वल है किसकी वैल्यू है ये आपके पास है टेन थीटा की प्लस वन और सी ओवर बी किसकी वैल्यू होती है ये आपके पास होती है सीकेंट थीटा की
इसे अरेंज कर ले तो भी आपके पास आ जाएगी 1 + 10 स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये आपने सेकेंड रिलेशन भी ड्राइव कर, इस तरह से आप इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह ये थर्ड रिलेशन है, ठीक है। बेसिकली आपको याद क्या होना चाहिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, ये किसके इक्वल है, ये किसके, ठीक है। अगर आपने यहाँ से हम ये भी बता सकते कॉट्स के थीटा किसके इक्वल है, तो वो आपके पास होता है कोसेकेंट 1 को वहां पर ले जाए। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी से इस तरह की आइडेंटिटीज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी आप देख लीजिएगा। अब हमारे पास है साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ये हम क्वाड्रेंट के कोरस्पोंडिंग देखते हैं। क्वाड्रेंट के कोरस्पोंडिंग हम चलना होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, हम एक्स एंड वाई एक्सिस को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जिस तरह यहाँ पर ये क्वाड्रेंट बताए थे, देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट बताए थे ना, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस था। तो यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। ये तो हम एक्स एक्सिस का बता रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो एक्स एक्सिस है वो क्या होगा, नेगेटिव होता है, और वाई आपके पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास थर्ड में क्या होता है, बोथ आर नेगेटिव। इधर आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ये जो साइन थे ना, ये आपके पास साइन थे कोऑर्डिनेट के लिहाज से, एक्स एंड वाई के साइन थे। लेकिन ये वाली चीज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं लेनी, ट्रिग्नोमेट्रिक के अपने साइन होंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, उसको हमने यूज नहीं करना, ठीक है ना। जो एक्स एंड वाई एक्सिस के साइन है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए नहीं यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन का अपना टेबल है, अभी हम वहाँ पर यही चेक करने लगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक के लिहाज से एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग और वाई एक्सिस की करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, क्योंकि हमने वो चीज़ कोऑर्डिनेट में जो हमने की है ट्रिग्नोमेट्रिक में से उल्टा है। अब ये देखेंगे आपके पास, मैंने यहाँ पर एक्सिस ड्रा कर दिए, चलें ये तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब हमने एक्स एंड वाई एक्सिस के कोरस्पोंडिंग नहीं देखे, हम क्वाड्रेंट के कोरस्पोंडिंग देखेंगे। आपको पता है ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपके पास फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन होता है जिसे हम डिफाइन करवाते हैं, और सेकंड में स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लेते हैं स्टूडेंट, याद रखने के लिए एक टर्म में टेक कॉफी ठीक है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके साइन पॉजिटिव होंगे, स्टूडेंट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन वाला होगा, ठीक है। टेक मीन्स सिर्फ थर्ड में टेन वाले होंगे, और ये कोस वाले। किस तरह से, अगर आप इसको ये इसके करस्पॉन्डिंग लिखें, यहाँ पर लिख लें आर, ठीक है, यहाँ पर लिख लें स्टूडेंट, ठीक है।
टेक ये तो या इसके में भी याद रह जाए। अच्छा आपके पास पेंशन कौन से होते हैं डिप्लोमेटिक? एक होता है आपके पास साइन, दूसरा आपके पास क्या होता है कोस, थर्ड कौन सा होता है टेन। बेसिकली आपने इतनी के याद रखने होते हैं, बाकी तो रिलेशन डिफाइन करवा के निकाल सकते। आल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल है, इसमें साइन भी पॉजिटिव होगा, कोस भी पॉजिटिव होगा और टेन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। यहाँ पर भी हम लेते हैं फंक्शन साइन कोस टेन। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने स्टूडेंट लिखा है, तो इसमें सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, जो साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ वो पॉजिटिव होगा, बाकी जो है वो क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी फंक्शन लेंगे साइन कोस टेन। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने टेक लिखा है, टेक मींस के यहाँ पर सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे, कोस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव। साइन की बात हो रही है ये, ठीक है, जिस तरह एक्स एक्सिस का बताया था ना कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्री का बता रहे हैं किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे साइन कोस टेन, कॉफी मीन्स के यहाँ पर जो कोस है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ आइडेंटिटीज है वो नेगेटिव आ जाएगी। ये आपके पास नेगेटिव हो, ठीक है, ये जो आज स्टूडेंट है काफ़ी स्टेटमेंट है ये याद रखने के लिए है कि किस क्वाड्रेंट में कौन से आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव लेना है, बाकी जो रेस्ट ऑफ आपके पास आइडेंटिटीज हो उन्हें हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अगर आपने इनके रिलेशन देखने हो, इनके आपने रेसिप्रोकल जो फंक्शन थे वो देख रहे हैं, उनके साइन क्या हो सकते हैं, उनके साइन भी वही सेम होंगे जो आपके पास इधर है। फॉर एग्जांपल साइन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल ले तो वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है कोसेकेंट के। ठीक है, और कोस का रेसिप्रोकल ले किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके पास सेकेंट के। अच्छा टेन का लें तो वो किसके इक्वल होता है, कोट के इक्वल होता है। अब अगर आपने इनके रेसिप्रोकल के फंक्शन देखने हो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो भी सेम ऐसे ही डील होंगे जिस तरह आपके पास ये डील है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं इनके साइन का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होता है, कोसेकेंट, कोस का सेकेंट, टेन का कोट। अच्छा यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, कोस नेगेटिव है तो सेकेंट भी नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके रेसिप्रोकल फंक्शन में। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं, कोसेकेंट सेकेंट कोट।
ये आपके पास नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, 10 पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव है, लास्ट क्वाड्रेंट की तरफ आ जाए। साइन नेगेटिव है तो कोसाइन भी, कोसेकेंट भी नेगेटिव होगा, कोस पॉजिटिव है सेकेंट भी आपके पास पॉजिटिव होगा, टेन नेगेटिव है तो कोट भी आपके पास नेगेटिव होगा। ये साइन थे हमने बता दिए, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड के करस्पॉन्डिंग थे। इसके बाद कुछ पॉइंट है, ठीक है, अगर ये एंगल के साथ इनके साइन आए तो हमने उसे किस तरह से लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, अगर साइन नेगेटिव थीटा हो तो ये किस तरह से हम इसको लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर कॉस के साथ आए, कॉस नेगेटिव थीटा, तो अगर एंगल में नेगेटिव आ रहा हो कॉस के साथ तो वो अपने आप को पॉजिटिव कर देता है, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद टेन आता है, इनके रेसिप्रोकल फंक्शन के साथ भी एज इट इज डेली होंगे, ठीक है। बेसिकली मेन ये तीन है, आपने इन तीनों की ईच एंड एवरीथिंग कर ले तो बाकी जो फंक्शन है वो हो जाती है, तो ये आपके पास नेगेटिव टेन आया। ये आपने याद रखना है कि एंगल के साथ जब नेगेटिव आ रहा हो तो किसके साथ आपने नेगेटिव लेना, साइन के साथ तो नेगेटिव आएगा बेशक एंगल के साथ हो तो, जस्ट कोस के साथ नहीं आ रहा। साइन को हम इस तरह से डिफाइन करवाएंगे, टेन को भी नेगेटिव के साथ डिफाइन करवाएंगे, अब ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोस की जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव, वो इवन में आती है, इसकी जो सीरीज होती है ये काफ़ी लेंथी थ्योरम है, इसको हमने ड्राइव नहीं करना है, आइडेंटिटीज को नहीं डीपली स्टडी करनी है, बस आपके पास ये थोड़ी सी इसके साइन पता होनी चाहिए कि किस फंक्शन के साइन की वैल्यूज को हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज का जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग साइन। हमने साइन बताने, आपके पास डेटा गिवन होगा, हमने क्वाड्रेंट के मुताबिक अगर आपके साथ एंगल है तो एंगल के करस्पॉन्डिंग साइन बताएंगे, अगर क्वाड्रेंट मेंशन हो क्वाड्रेंट के मुताबिक साइन बताएंगे। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 160 डिग्री, हमने इसका साइन बताना है, ये साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है और किस क्वाड्रेंट में है, तो इजीली यही है कि इसे सॉल्व करने से पहले हम इसका क्वाड्रेंट यहाँ पर एक दफा लिख लेते हैं। ये आपके पास 360 वाली साइड होती है लाइन, ये आपके पास 90 वाली लाइन होती है, ठीक है, ये आपके पास 180 वाली है और ये आपके पास 270 वाली है। अच्छा, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर है साइन 160, ये एंगल 180 का है तो इट्स मीन 160 यहीं कहीं होगा इसके आसपास ही, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग दिखें तो ये आपके पास होता है आल, मैं सब फंक्शन ही लिख रही, ये वाली स्टेटमेंट लिख रही है, स्टूडेंट टेक
कॉफी ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट मीन यहाँ पर साइन क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आप वन साइन 160 एंगल है, हमने चूंकि इसके साइन बताने हैं तो ये पॉजिटिव होगा। इसका साइन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये लाई कर रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस वजह से इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है। इस तरह से हम इसके साइन बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक है। अब ये सेकंड वाला आपने बताना है इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी आ रहा है। साइन फंक्शन आपके सामने आया कॉस 190 डिग्री। अच्छा इसका साइन आपने बताना है कि क्या साइन है। ये आपके पास 190 डिग्री है ठीक है, ये 180 है, 180 है तो 190 आपके पास इधर कहीं होगा एंगल ठीक है, यहाँ कहीं एंगल होगा। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ठीक है। तो यहाँ पर इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। वेल डन, वेरी गुड, आपने सही बताया, नेगेटिव होता है। साथ में रीज़न बता रहे हैं क्योंकि ये लाई किस में कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस वजह से हमने कह दिया है इसका साइन नेगेटिव। साथ में रीज़न भी बता दें क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इसी तरह थर्ड की तरफ आते हैं, 10 10 115। इसका हमने साइन बताना है, इसका साइन क्या होगा। अच्छा ये 115 है, ये 180 है तो ये आपके पास किस तरह होगा, इधर ही कहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है ठीक है। साथ में रीजन लिख लें, बिकॉज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चन है वो आपने देख लेने हैं ठीक है, आपने उनके बताने। मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ इनके साइन, बेशक अभी बता दें। ये आपके पास है सीकेंट 245 डिग्री और 5 आपके पास है कोट 80 डिग्री, लास्ट है आपके पास 297 डिग्री। चले इनके साइन बताएं। वेरी गुड, आंसर सही है आप लोगों के। चले आपको ये तो आ गया साइन किस तरह से देखने हैं। अच्छा अब ये देखिए 245, स्टूडेंट ने क्या है, ये नेगेटिव है बिकॉज ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। 245 आप देखें, ये 270 है, 245 यहाँ पर होगा ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपके पास ऑफ कोर्स नेगेटिव है और
लाइक इसमें कर रहा है, लाइन इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरह कोसेकेंट 297 है, आप लोगों ने कहा ये नेगेटिव है बिकॉज ऑफ फोर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 297 ये 27 के बाद 97 आता है तो एंगल यहाँ कहीं होगा, तो इस क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, ये नेगेटिव है बिकॉज लाई इन फोर क्वाड्रेंट। अब बाकी इस सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन नेगेटिव 3310, इसके भी आपने साइन बताने हैं, और ये मैंने आपको बताया कि किसके साथ अगर एंगल में आए तो हमने किस तरह से डील करना है, ठीक है। ये आप ही लोगों ने बताने, ये बताएं, मैं सेकंड लिखती हूँ, ये साथ साथ आप सॉल्व करके बताते जाए। 10 - 182 डिग्री, थर्ड है आपके पास secant -216 degree, four है cos 75 degree, क्वेश्चन 5 है आपके पास कोट -137 डिग्री, ये किसके इक्वल आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कोसेकेंट -15 डिग्री, चलिए आपके आंसर चेक करते हैं। वेरी गुड, करेक्ट है आप लोगों का। अब देखिए आपको पता है साइन चेंज नहीं होता इसका साइन, ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस साइन 310, और इसी तरह 10 भी चेंज नहीं होता तो ये आपके पास आ जाएगा 10 182 डिग्री। सेकेंड आपके पास चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है, तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन होगा इसका, साथ में secant 216 डिग्री। cos भी चेंज होता है पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये आपके पास cos 75, ठीक है। cot नहीं होता तो ये आपके पास आ जाएगा cot 137 डिग्री। cosecant नो चेंज, ये आपके पास आ जाएगा 50। इस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास इन विच क्वाड्रेंट आर लाई, आपके पास फंक्शन गिवन होंगे, ठीक है। आपने उस फंक्शन को देख के बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। मैं आपके सामने फंक्शन लिख रही, फर्स्ट फंक्शन आपके सामने आ रहा है साइन
साइन थीटा नेगेटिव हो, ये लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव को प्रेजेंट कर रहा है, एंड कॉस थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपने इसका क्वाड्रेंट बताना है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है, इनके आपने क्वाड्रेंट बताने कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन नेगेटिव हो और कॉस पॉजिटिव हो। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने देखती हूँ, कोट पॉजिटिव एंड कोसेकेंट थीटा आल्सो पॉजिटिव, इसका भी कॉट थर्ड है आपके पास टेन थीटा नेगेटिव कॉस थीटा पॉजिटिव। अच्छा, इसमें दो तीन स्टूडेंट के रॉन्ग आंसर है। मैंने आपको कहा था जब भी आपने क्वाड्रेटिक का बताना हो, सबसे पहले ये इस तरह से अपने माइंड में इस तरह से स्केच बना लिया करें, कोऑर्डिनेट बनाए, ठीक है, और ये आपको पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपके ऊपर ये आपके पास थर्ड है, ये फोर है, ठीक है, और आपको पता है ऑल स्टूडेंट यहाँ पर कर लें टेक, यहाँ पर लिख लें कॉफी, ठीक है, मोस्टली उनका करेक्ट आंसर है। अब वो कह रहे हैं कि साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव यहाँ पर तो सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये फोर क्वाड्रेंट आ रहा है, ये यहाँ पर कॉस क्या होता है, यहाँ पर कॉस जस्ट पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास क्या कह रहा है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉस आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए और जो साइन है वो आपके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये आपके पास फोर क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कि कॉट भी पॉजिटिव हो, कोसेकेंट भी पॉजिटिव हो, ये भी आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें तमाम एंगल पॉजिटिव हो वो कौन सा होता है क्वाड्रेंट, वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो उसे आपने ये वाला आपने कहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह वो कह रहा है कि जो टेन है वो नेगेटिव हो और कॉस आपके पास पॉजिटिव हो, तो आपको पता है कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है फोर क्वाड्रेंट। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स आप लोगों ने देख लेने हैं।